इमाम अली अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। देखा एक शख्स किसी औरत को गंदी निगाह से देख रहा था। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब गए और फरमाने लगे, आए बंदा खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ने रहमत की मिसाल औरत की शक्ल में दी है। याद रखना, जो इंसान औरत को गंदी निगाह से देखता है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े उस इंसान के लिए बंद कर देता है और यहीं उसके काम बिगड़ने लगते हैं और उसके घर में बीमारियां और परेशानियां जन्म लेती हैं। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि वो मर्द जो औरतों को गंदी निगाह से देखते हैं, वो जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी आँखों में गर्म लोहा डालते हैं और वहीं वो चीखते रहते हैं, और जब रोज़े माशर अल्लाह के दरबार में आएंगे तो उनकी आंखें नहीं होंगी और यहीं वो इंसान मुफर नज़र आते हैं। और मैदान हाशर में हर कोई ये जान लेता है कि यही हैं वो अंधे लोग जो अपनी आंखों से ना महरम को गंदी निगाह से देखते थे।